अगर जैसे आप गाड़ी परचेज करते हो तो सबसे पहले भाई अपनी पॉकेट अलाउंस देखते हो कि भाई आपका कितने प्राइस में कौन सी गाड़ी लाई करेगी। अगर आपका फिर भी एक मन बनता है कि भाई मेरे को सीएनजी गाड़ी परचेज करनी है तो 7 सीटर के अंदर परचेज करनी है, तो आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है 7 सीटर के अंदर, जो कि है मारुति सुजुकी की अर्टिगा। तो आज की वीडियो एक कंपेरिजन वीडियो है। ये जो पर्टिकुलर वेरियंट है ये है VXI और जो ये वेरियंट है ये है LXI। ये जो वेरियंट आप देख रहे हो ये सीएनजी के अंदर है, बट सीएनजी के अंदर सिर्फ डिफरेंस क्या है नॉर्मल VXI से, वो मैं आप लोगों को बता दूंगा जहाँ जहाँ डिफरेंस आएगा। कोई ऐसा मेजर डिफरेंस नहीं आता है, सिर्फ सीएनजी का ही डिफरेंस आता है। उसके अंदर सीएनजी आती है सीएनजी वाले में, और नॉन सीएनजी वाले में सीएनजी नहीं आएगी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि इस VXI वेरिएंट में आपको क्या क्या चीज़ें मिल जाती है और LXI वेरिएंट में क्या क्या चीज़ें मिल जाती हैं। अगर जैसे आप इसका प्राइस डिफरेंस की बात कीजिए ना LXI में और VXI CNG में, तो 1,70,000 का प्राइस डिफरेंस है, वो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा वर्थ रहने वाला है। जैसे आपकी मान लो रनिंग ज़्यादा है तो, क्योंकि जो गाड़ी एवरेज क्लेम करती है, जो माइलेज क्लेम करती है कंपनी मारुति सुजुकी की, CNG के अंदर वो 26 किलोमीटर पर KG की करती है। वहीं अगर नॉन CNG की बात की जाए तो वहाँ पर जो एवरेज है कम ही निकलती है, 20 से लेस ही रहती है। तो गाइस बंची के नाम से मेरे एक ब्लॉगिंग चैनल पर आई बटन पे मैंने लिंक दे रखा है, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। गाड़ी की सबसे पहले एक्सटीरियर लुक से बात कर लेते हैं कि आपको देखने में क्या क्या चीज़ें अलग लगने वाली है इन दोनों गाड़ियों में। जैसे आप इन दोनों गाड़ियों की फ्रंट प्रोफाइल देखोगे ना तो आपको देखने में बिल्कुल सेम लगेगी, सिर्फ जो डिफरेंस है वो इस रेडिएटर ग्रिल में दिया हुआ है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बेस वेरिएंट है तो ज़्यादा ही बुरी लगने वाली है। ये आपको पैनो ब्लैक फिनिश में दे रखी है तो प्रीमियम नेस भी आपको गाड़ी के अंदर मिल जाती है। यहाँ पे आपको VXI वेरिएंट में क्या है, आपको क्रोम फिनिश में मिल जाती है। दोनों ही गाड़ियों की जो हेडलाइट है वो आपको प्रोजेक्टर मिल जाती है, हैलोजन बल्ब के साथ इसके टर्न इंडिकेटर मिल जाते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको फॉग लाइट्स अवेलेबल नहीं होती है, बट आप इनको एसेसरीज के तौर पर ले सकते हैं। थोड़ा बहुत रफ ब्लैक फिनिश का भी यूज़ देखने को मिल जाएगा। अभी गाड़ी की साइड प्रोफाइल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, वो है इसके डोर हैंडल्स का और इसके ORVM का। सिर्फ अगर आप नोटिस करोगे सिर्फ उस चीज से, ऐसा कुछ नहीं कि जैसे इलेक्ट्रिकल पार्ट की बात की जाए तो जैसे इसमें VXI वेरिएंट में क्या है, आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और रिट्रैक्टेबल दोनों फंक्शन के साथ ORVM मिल जाते हैं विद LED टर्न इंडिकेटर्स। बट जो ये LXI वेरिएंट है इसके अंदर आपको ना तो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिलेंगे ना ही रिट्रैक्टेबल मिलेंगे, और अंदर कोई आपको जॉयस्टिक भी प्रोवाइड नहीं होता, इनको एडजस्ट आपको बाहर से ही करना पड़ेगा। और जो इसका इंडिकेटर है वो आपको साइड फेंडर में मिलेगा। दोनों ही गाड़ियों का जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो आपको 180 mm का मिल जाता है, तो गाड़ी के हिसाब से ठीक ठाक ग्राउंड क्लियरेंस है। बट इंडियन रोड्स की कंडीशन देखी जाए तो वहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस की ज़्यादा नीड पड़ेगी, क्योंकि आजकल टाइम में क्या हो रहा है, प्लेन सड़कें कम हो गई है, गड्ढे वगैरह ज़्यादा हो गए, तो वहाँ पे आपको दिक्कत आने वाली है। फ्रंट में आपको जैसे दिक्कत तब आएगी जब आपकी गाड़ी फुली लोडेड है तो दिक्कत आएगी, ऐसे कुछ नहीं कि आप 2-3 जने बैठ के जा रहे हो, 4 जने बैठ के जा रहे हो तो भी आपको दिक्कत आएगी। बाकी 180 mm ग्राउंड क्लियरेंस कोई कम नहीं होता, ठीक ठाक होता है गाड़ी के हिसाब से। अगर इसमें जैसे बात की जाए तो दोनों ही गाड़ियों में जो टायर्स हैं वो आपको 15 inches के मिल जाते हैं, जिनका सेक्शन भी बिल्कुल सेम मिलता है 185/65 R15 के। सिर्फ गाड़ी में फ्रंट की तरफ ही आपको डिस्क ब्रेक मिलेगा, पीछे की तरफ आपको ड्रम ब्रेक मिलता है। और VXI वेरिएंट में क्या है, आपको व्हील कवर्स प्रोवाइड हो जाते हैं, बट LXI वेरिएंट में आपको व्हील कवर्स प्रोवाइड नहीं होते हैं। और दोनों ही गाड़ियों में आपको रूफ रेल्स नहीं मिलती है, बट जो एंटीना है दोनों गाड़ियों में आपको अवेलेबल हो जाता है। अब जैसे इन दोनों गाड़ियों की बैक प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको पीछे से तो देखने में ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं लगने वाला है। अगर जैसे ज़्यादा गौर से नोटिस करोगे तो सिर्फ जो ये वाला डिफरेंस है ना, इसकी पीछे की बूट को लॉक और अनलॉक करने के लिए सिर्फ वही इसके अंदर दिया हुआ है, बट VXI वेरिएंट के अंदर आपको ये चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। बाकी जो दोनों गाड़ियों की टेल लाइट है बिल्कुल सेम मिलती है, LED के अंदर मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में आपको हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है, बट जैसे आप देखोगे ना इतना छोटा सा दे रखे तो देखने में आपको इतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा। दोनों ही गाड़ियों में आपको पीछे की तरफ कोई डिफोगर वाइपर नहीं मिलता है, और बाकी CNG की बैजिंग मिल जाएगी CNG में, और नॉन CNG में नॉन CNG की बैजिंग आपको नहीं मिलेगी। अगर गाड़ी के बूट स्पेस की बात की जाए तो इसके अंदर आपको 290 liters का मिल जाता है बूट स्पेस, और जो इसकी सेकंड रो की सीट्स हैं वो आपको 50-50 स्प्लिट सीटें मिल जाती हैं। मारुति के अंदर अभी अच्छा क्या चीज़ है, इस अर्टिगा के अंदर पर्टिकुलरली अच्छी क्या चीज़ है, जैसे आप इसका CNG का टैंक देखोगे ना, ये प्रॉपरली कवर किया हुआ है, तो इससे क्या है सामान वगैरह रखने में भी ठीक होता है और देखने में भी कोई इतना बुरा नहीं लगता है। और जैसे इसके ऊपर भी जैसे सामान रखोगे ना भारी बैग, वो आराम से आप इसके ऊपर प्लेस कर सकते हो। मेरा वेट 85 kg, और देखो मैं इसके ऊपर आराम से बैठ गया तो भाई कोई भी दिक्कत नहीं होगी। इतना भारी वेट तो आप जाहिर सी बात है, इतना लगेज तो इतना भारी नहीं होता है, और बाकी जैसे और कुछ सामान भी रखोगे ना तो भी आपको कोई भी दिक्कतें नहीं होने वाली है।
जो LX7 है इसके अंदर आपको अच्छा खासा बूट स्पेस मिल जाता है, तो बूट स्पेस रिलेटेड आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। थर्ड रो की सीट्स हैं, अगर आप अपना और बूट स्पेस इंक्रीज करना चाहते हो तो उनको आप डाउन कर सकते हैं। अभी जैसे आप इसके ये दे रखे हैं ना, आपको ऐसे लगेगा कि भाई ये डाउन करने के लिए दे रखे हैं, बट जो सीट्स डाउन करनी है तो आपको यहाँ से ऊपर से डाउन होती है। तो ये देखो ये डाउन हो गया, अब जो है आपका बूट स्पेस काफ़ी ज़्यादा मैसिव हो जाता है। दोनों ही गाड़ियों में सिस्टम आता है इस जो इसकी थर्ड रो की सीट है उनको डाउन करने का। अभी मैं आप लोगों को क्या करता हूँ, सिर्फ कंफर्ट एक ही गाड़ी का चेक कराऊंगा, क्योंकि दोनों गाड़ियों में बिल्कुल सेम ही कंफर्ट मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में आपको हाइट एडजस्टेबल सीट नहीं मिलती है। दोनों ही गाड़ियों में जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको टिल्ट फंक्शन के साथ मिल जाता है। LX7 में सिर्फ डिफरेंस की बात करेंगे, डीपली बात नहीं करेंगे इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मिलती है क्या क्या नहीं मिलती है। LX7 में क्या है, आपको म्यूजिक सिस्टम नहीं मिलता है, बट VX7 में आपको म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। मैनुअल ही इसके अंदर आपको क्लाइमेट कंट्रोल मिलता है, सिर्फ आपको 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, ऑक्स USB के लिए आपको नहीं मिलेगा। जाहिर सी बात है म्यूजिक सिस्टम नहीं है तो उनका देखे क्या फ़ायदा। और यहाँ पे आपको दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं कूलिंग फंक्शन के साथ, कूलिंग बोलते हैं बट वो ऐसा है कि टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं। 5-speed ही गेयर बॉक्स आता है, कोई यहाँ पे आपको कप होल्डर वगैरह प्रोवाइड नहीं होते, और ना ही गाड़ी के अंदर आपको आर्मरेस्ट मिलता है। जो इस गाड़ी के अंदर हॉर्न आता है वो ड्यूअल हॉर्न आता है। IRBM जो है LX7 में आपको डे नाइट नहीं मिलते हैं। पैसेंजर साइड सनवाइजर में आपको मिरर की प्लेसमेंट मिल जाती है, और ड्राइवर साइड सनवाइजर में आपको टिकट होल्डर मिल जाता है। गाड़ी के बेस वेरिएंट में भी आपको 4 पावर विंडो के स्विचेज मिल जाते हैं, और जैसे आप इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखोगे ना, वो देखने में भाई गाड़ी ऐसे लगता है काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम है। सेम ही इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपने मारुति सुजुकी की और भी गाड़ियों में देखा होगा। एनालॉग के अंदर ही इसका टैकोमीटर मिलता है, स्पीडोमीटर भी एनालॉग के अंदर मिलता है, और जो बीच में MID है ना वो कलरफुल MID दे रखी है, वो इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक शो कर देता है। और स्मार्ट हाइब्रिड है तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर आपको शो करके दिखाता है। और इस साइड में आपको स्विच मिल जाता है ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का, और लाइट लेवलिंग के लिए कंट्रोल। ORVM के कंट्रोल या फिर जॉयस्टिक वगैरह इसके अंदर नहीं मिलते हैं। अगर ORVM को आपको कंट्रोल करना है तो बाहर से ही आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर गाड़ी के कंफर्ट की बात की जाए तो विजिबिलिटी आपको फ्रंट विंड स्क्रीन से आपको अच्छी खासी आ जाती है। बोनट तो जाहिर सी बात आपको सीन नहीं होगा। साइड विंडो जो है इसके काफ़ी ज़्यादा बड़े दे रखे हैं, तो उनसे रिलेटेड आपको कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बट जो ORVM का साइज़ है वो थोड़ा सा आपको पतला मिलता है, इस टाइप में पतला मिलता है, तो वहाँ पे आपको थोड़ी बहुत इशू आने वाले हैं। अंडर थाई स्पोर्ट ओके दे रखे, सीट की विड्थ भी ओके दे रखी है। जो नीर जैसे थाई के बीच में और स्टेयरिंग व्हील के बीच में गैप देखोगे तो वो भी अच्छा खासा मिल जाता है, उस रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और जो लेग रूम है वो भी आपको गाड़ी के अंदर डिसेंट मिल जाता है, उस रिलेटेड भी आपको कोई भी इशू नहीं आएगा। और डेड पेडल भी आपको प्रोवाइड हो जाता है गाड़ी के अंदर, तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है। कंफर्ट मतलब जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करोगे ना, तो कहीं भी आपको कंफर्ट से रिलेटेड कोई भी इशू नहीं आने वाला है। बकेट फिटिंग जो है आपको गाड़ी के अंदर ठीक ठाक मिल जाती है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, बट हाई स्पीड पे जैसे आप गाड़ी को ड्राइव करोगे, जो कि नहीं करना चाहिए आप लोगों को, तो उसमें क्या है बकेट फिटिंग ठीक है भाई, ज़्यादा इधर उधर नहीं भागोगे, आराम से चिपक के बैठे रहोगे। जो स्टेयरिंग व्हील है वो आपको गाड़ी के अंदर फ्लैट बॉटम मिलता है। गाड़ी के अंदर सेकंड रो की कंफर्ट की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात तो ये, जो इसके सेकंड रो के डोर्स दे रखे हैं ना, वो काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं, तो खुलते हैं ना तो बड़ा अजीब से लगता है कि इतने ज़्यादा बड़े बड़े डोर्स एकदम ओपन हो रहे हैं। XL6 में भी यही चीज़ है, डोर्स काफ़ी ज़्यादा बड़े बड़े दे रखे हैं। पीछे की तरफ आपको जैसे डोर पैड पे आपको बोतल कैरी करने के लिए होल्डर मिल जाता है, और जो डोर पॉकेट्स हैं वो आपको ठीक ठाक साइज़ के मिल जाते हैं। ड्राइवर साइड सीट मेरे हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट है, तो इसके अंदर आप नी रूम देखोगे अच्छा खासा नी रूम मिल जाता है। लेग रूम भी जो है आपको गाड़ी के अंदर काफ़ी अच्छा मिल जाता है। जो इसकी सेकंड रो की सीट है उनको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं, और रेक्लाइनिंग एंगल भी इनका एडजस्ट कर सकते हैं। अभी क्या है, जो पीछे वाली सीट है ना भाई, ये मैंने डाउन कर रखी है, इनको पहले ऊपर करना पड़ेगा, तब जाके जो है इनका रेक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट हो पाएगा। अभी देखो ये मैंने ऊपर कर दिया, अब जो है इसका रेक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट हो पाएगा। रेक्लाइनिंग एंगल देखो आप कितना ज़्यादा आप इसके अंदर रेक्लाइनिंग एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। और बेस वेरिएंट में आपको दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, आइसोफिक्स सीट्स मिल जाती हैं, कुछ अंडर थाई स्पोर्ट अच्छी है, और जो कुशनिंग है वो भी आपको गाड़ी के अंदर अच्छी मिल जाती है। फ्लैट बॉटम ऑलमोस्ट आप फ्लैट बोल सकते हैं उसको, 3% जो है गाड़ी के अंदर बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। फ्लैट बॉटम है तो आराम से मतलब बीच वाला पर्सन बैठेगा, उसकी कोई भी दिक्कतें नहीं आने वाली। अब इसकी सेकंड रो में चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि भाई कैसा क्या कंफर्ट मिलता है। पहले क्या करता हूँ, जो ये वाली सीट है ना, ये सेकंड रो की सीट है, इसको मैं अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ। तो भाई इसको थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं। अब ऐसा कर दिया मैंने भाई, नी रूम भी अच्छा है, रेक्लाइनिंग एंगल भी गाड़ी के अंदर अच्छा है। अब इसकी थर्ड रो में जाके आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि कैसा क्या कंफर्ट इसके अंदर मिलता है। और ये क्या है, इसकी जो सीट्स है ना वो आपको आगे करके ही पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे कुछ नीचे सीट वो मतलब पूरी फोल्ड हो जाती है। ये देखो भाई, भाई ऐसा हो गया है,
सीट थोड़ी सी और आगे हो जाएगी ना तो बात बन जाएगी, काफ़ी अच्छा चीज़ हो जाएगी। तो मैं इसको यहाँ पीछे से आगे कर लेता हूँ इसको थोड़ा सा। अब हो गया ना जो इसका रेक्लिन एंगल ओके हो गया ना, मतलब थोड़ा सा स्ट्रेट सा तो हो गया, बट थोड़ा सा और कम कर लेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। और एक और अच्छी बात क्या है, जो इसकी थर्ड रो है ना उसका भी आप रेक्लिन एंगल एडजस्ट कर सकते हैं। उसका रेक्लिन एंगल एडजस्ट होने के बाद क्या है ना भाई, पीछे काफ़ी अच्छा आपको कम्फर्ट मिल जाता है इसके अंदर। अंडर थाई स्पोर्ट तो जाहिर सी बात है कम मिलेगी, बट ऐसा है कि आप पीछे की रो में भी आराम से बैठ के जा सकते हैं। अच्छा लंबा भी यार आप इसकी थर्ड रो है उसके अंदर बैठ के जा सकते हैं। पीछे की तरफ आपको कोई भी एयर का वेंट नहीं मिलता है, ना तो इसकी सेकंड रो में और ना ही इसकी थर्ड रो में, बट दो ग्लास होल्डर मिल जाते हैं और कोई 12 वोल्ट का सॉकेट वगैरह भी नहीं मिलता है। पीछे आपको दो 3-point सीट बेल्ट मिल जाती है और दो एडजस्टेबल हेडरेस्ट इसके अंदर प्रोवाइड हो जाते हैं। मेन मोटिव क्या है, पीछे की तरफ आप इस गाड़ी में थर्ड रो में मतलब बैठ के आराम से जा सकते हैं। अब जो ये गाड़ी आप देख रहे हैं ये है अर्टिगा का VXI वेरियंट, तो इसमें सिर्फ डिफरेंस की बात की जाएगी तो इसके अंदर आपको 2DIN का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है विद और स्पीकर मिल जाते हैं। मैनुअल क्लाइमेट कंट्रोल दोनों के अंदर आता है, बट एक यहाँ पे आपको मिल जाता है USB और ऑक्स के लिए सॉकेट अवेलेबल हो जाता है। बाकी और जैसे कूलिंग के लिए आपको दोनों ही गाड़ियों में अवेलेबल हो जाता है। और जो गियर के ऊपर देखेंगे ना तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा पियानो ब्लैक फिनिश का और क्रोम का यूज़ देखने को मिल जाएगा थोड़ी सी प्रीमियमनेस देने के लिए। दोनों ही गाड़ियों के अंदर आपको आर्मरेस्ट नहीं मिलता है। जो स्टीयरिंग व्हील है इसके ऊपर आपको म्यूजिक सिस्टम से डोर कंट्रोल मिल जाएंगे। अब डिफरेंस एक और आएगा इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, उसके अंदर क्या है स्मार्ट हाइब्रिड है, तो उसका जो स्मार्ट हाइब्रिड का मतलब नहीं है, सिर्फ जो ये VXI CNG है ना इसके अंदर आपको अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा, और जो VXI आएगा ना नॉर्मल उसके अंदर आपको अलग इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलेगा। इस साइड में आपको जो एक एड ऑन होगा वो है इसके ORVM के कंट्रोल फोल्ड एंड अनफोल्ड करने के लिए और उनके एडजस्टमेंट के, और एक और बटन ऐड हो जाएगा वो है इसके अंदर जैसे CNG टू पेट्रोल और पेट्रोल टू CNG करने के लिए। बाकी ऑटो इंजन ऑन एंड ऑफ का इसके अंदर आपको जो है स्विच नहीं मिलेगा। एक डिफरेंस आएगा इसके IRVM में, इसके अंदर आपको डे नाइट IRVM मिल जाएगा और कोई आपको इस गाड़ी के अंदर फर्स्ट रो में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। एक और डिफरेंस आएगा वो है इसके क्रोम के डोर हैंडल्स, और जो है इसकी फर्स्ट रो में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। गाड़ी में सेकंड रो में डिफरेंस की बात की जाए तो सिर्फ जो है एक तो आपको इसके अंदर आर्मरेस्ट मिल जाएगा VXI वेरिएंट में, और ऊपर की तरफ आपको एयर के वेंट मिल जाएंगे जिनकी एयर फ्लो की इंटेंसिटी आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं, और कोई आपको डिफरेंस इसके अंदर नहीं मिलेगा। और एक आपको एक और डिफरेंस मिलेगा वो है इसका 12 वोल्ट का सॉकेट जो कि LXI वेरिएंट में नहीं आता, वो आपको यहाँ पे दिया हुआ है। तो अगर जैसे VXI वेरिएंट लेते हो ना इसके CNG के अंदर भाई, वो काफ़ी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है आजकल पेट्रोल और डीजल के प्राइस को देखते हुए। एक बार क्या है आप स्पेंड कर दोगे तो ऐसा है कि भाई एकदम खुश रहोगे आप, CNG गाड़ी लेने के बाद ना खुश रहने वाले हो। और ऐसा कुछ नहीं कि आप CNG गाड़ी परचेज करते हो तो गाड़ी के अंदर स्मेल वगैरह आएगी CNG की, वो पहले आती थी भाई, अब आजकल के ज़माने में वो CNG वगैरह की स्मेल नहीं आती है। अगर अर्टिगा के इंजन ऑप्शन की बात की जाए तो जो ये LXI वेरिएंट है यानी कि आप इसको पेट्रोल के अंदर लेते हैं तो 1.5 लीटर का ही इंजन आएगा, और ये आपको ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों के अंदर मिल जाएगी। VXI और ZXI में आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन मिल जाएगा। अगर जो इसका 1.5 लीटर का इंजन है वो प्रोड्यूस करता है 103 bhp और 138 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। अगर आप इस गाड़ी को CNG के अंदर परचेज करते हैं जो कि सिर्फ VXI वेरिएंट के अंदर आएगा तो वो प्रोड्यूस करता है 91 bhp और वो सिर्फ आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही अवेलेबल होगा। अगर आपको गाइज इन दोनों गाड़ी से रिलेटेड कोई क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं, या फिर नीचे सोशल मीडिया के लिंक्स दे रखे हैं आप वहाँ से जाके मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आप इनके सेल परचेज के लिए कुछ आप कमेंट मतलब कुछ पूछना चाहते हैं तो इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर है डीलरशिप का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप वहाँ से जाकर उनसे पूछ सकते हैं। तो गाइज इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक यू सो मच।